दुनिया के ज्यादातर देश, दुनिया की हर बड़ी संस्था आज पुलवामा में करवाए गए आतंकी हमले के खिलाफ एकजुट है, एक स्वर से बोल रही है। मुझे अपने वीर जवानों पर गर्व है जिन्होंने 100 घंटे के भीतर ही अपने साथियों पर हुए हमले के एक बड़े गुनहगार को वहां पहुंचा दिया जहां उसकी जगह थी। सीमा पार डटे सैनिकों पर, मोदी सरकार पर और मां भवानी के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। मैं राजस्थान के लोगों से जानना चाहता हूं, मानवता के ऐसे दुश्मनों को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? इंसानियत के ऐसे दुश्मनों का चुन चुन करके हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दुनिया भर में इनका दाना पानी बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, आपका ये प्रधान सेवक इसी काम में जुटा है। दुनिया में तब तक शांति संभव नहीं है जब तक आतंकी ये फैक्ट्री ऐसे ही चलती रहेगी। आतंकी फैक्ट्री पर ताला लगाने का काम भी अगर मेरे ही हिस्से लिखा है तो ऐसा ही सही। आज आतंक के विरुद्ध पूरी दुनिया में एक व्यापक मत बन चुका है। आतंक के गुनहगारों को सजा देने के लिए हर मोर्चे पर मजबूती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये संकल्प सिर्फ मोदी का नहीं है, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का है, क्योंकि ये राजनीति से ऊपर राष्ट्रनीति का, राष्ट्र की सुरक्षा और स्वाभिमान का सवाल है। भाइयों और बहनों, पुलवामा हमले के बाद आपने भी देखा है कि कैसे एक एक करके पाकिस्तान का हिसाब लिया जा रहा है। हमारी सरकार के फैसलों की वजह से वहां हड़कंप मचा हुआ है। देश में रहते हुए अलगाववाद को हवा दे रहे लोगों पर भी कार्रवाई सख्त हुई है और सख्त होती रहेगी। साथियों, अब ये बदला हुआ हिंदुस्तान है, ये दर्द सरकार चुपचाप नहीं, ये दर्द सह करके हम चुपचाप नहीं बैठते। हम आतंक को कुचलना भी जानते हैं।
ये नई रीति और नई नीति वाला भारत है।